Hello students, I welcome you all to the nursing education. So today we are going to discuss about the admission procedure. Ki admission ka procedure kya rahega PGI Rohtak mein BSc nursing ke liye aur other paramedical courses ke liye. To sabse pehle first point hai जो मैं आपके साथ ये नोटिस शेयर कर रही हूँ ये PGI Rohtak का ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है फॉर द ईयर 2023 टू 2024. तो इसमें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम रीड आउट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज़ द एडमिशन अंडर अबव स्टेटेड कैटेगरीज विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ CET 2023. यानी कि जो आपका एडमिशन होगा वो उस चीज़ पे बेस होगा कि आपका CET में रिजल्ट क्या आता है. और ये CET कौन कंडक्ट करवाएगा? PGIMS Rohtak. तो आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और उसके मार्क्स आपके पास ऑलरेडी हैं क्योंकि रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर्ड हो चुका है. तो अब उन मार्क्स के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा PGI Rohtak के अंडर या फिर PGI Rohtak के अंदर या फिर उससे PGI Rohtak से एफिलिएटेड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर. नेक्स्ट पॉइंट है द रिलेटिव मैरिट अमंग सच कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन शैल बी ड्रॉन एज पर द मैरिट ऑफ CET कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी. कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग इन सर्विस कैंडिडेट शुड फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन 30% फॉर बींग ग्रांटेड एडमिशन. यानी कि अगर कोई इन सर्विस कैंडिडेट है या फिर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको 30% जो है वो मार्क्स चाहिए. अगर उससे कम मार्क्स उनके हैं तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट. तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 35% से अबव मार्क्स होने चाहिए और बाकी की जो कैटेगरीज़ हैं उनकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो है 30%. नेक्स्ट वन इज़ एडमिशन विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग. यानी कि एडमिशन जो है वो काउंसलिंग के थ्रू होगा और जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो ऑनलाइन होगी. इसके साथ साथ एडमिशन वेब पोर्टल जो है वो आपका ओपन होगा और जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो PGI Rohtak की ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस होगा. बट अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस अनाउंस नहीं हुआ है, तो जैसे ही नोटिस आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी. तो काउंसलिंग आप लोगों की ऑनलाइन होने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वन इज़ द चॉइस ऑफ द कोर्स इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल विल बी कंसिडर्ड फाइनल एंड नो फर्दर चेंज विल बी अलाउड. यानी कि जब ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा चॉइस फिलिंग के लिए और उसके बाद जिन जिन कॉलेजेस को आप अपनी चॉइस फिलिंग में फिल करोगे सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाएगा और आप अपनी चॉइस फिलिंग में जो भी आपने कॉलेजेस फिल किए हैं उनको चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द अलॉटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट प्रिपेयर्ड. जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा, मेरिट के बेसिस पे होगा. जो भी मार्क्स आपके CET एग्ज़ाम में आए हैं और जो भी आपने कोर्स या फिर सब्जेक्ट या फिर कॉलेज सेलेक्ट किया है चॉइस फिलिंग में, आपने अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट किया है, उन कॉलेजेस में आपका एडमिशन सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा. नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द एडमिशन कमिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू होगी, उसके बाद जब आपको ऑनलाइन कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद आपको PGI Rohtak में फिज़िकली खुद जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए. PGI Rohtak के डीन ऑफिस में आप लोगों को जाना होता है और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं. तो आपको वहाँ पे सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं. कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर वहाँ से वो वीडियो जो है वो देख सकते हो. इसके साथ साथ अगर आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स PGI Rohtak में ला नहीं पाते हैं, किसी भी वजह से आप लेट हो जाते हैं और या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा.
नेक्स्ट वन इज ऑल एडमिशन शैल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एज पर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग टू द एडमिशन कमिटी. प्रोविजनल लोकेशन ऑफ द सीट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन शैल कन्फर्म नो लीगल राइट टू द कैंडिडेट फॉर द सैट सीट एंड द सीट शैल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उसके बाद आपके पास चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आता है कि आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं. तो वो प्रोविजनली अलोकेट होता है आपको कॉलेज. उसके बाद जब आप यानी कि पार्शली अलॉट हुआ है, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हो और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं होती तब आपको फाइनली जो है वो कॉलेज अलॉट होता है. तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं PGI रोहतक में तब आपको कॉलेज जो है वो फाइनली अलॉट होता है. नेक्स्ट आपकी दे रखी है कि जो आपका एडमिशन होगा उसमें एडमिशन कमेटी कौन कौन होंगे. फर्स्ट जो है वो डीन एकेडमिक अफेयर्स होंगे PGI रोहतक के चेयरपर्सन. सेकंड वन इज़ डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, वो मेंबर्स होंगे वो लोग. उसके बाद लॉ ऑफिसर्स होंगे PGI रोहतक के, वो लोग भी कम्युनिटी इस एडमिशन कमेटी के मेंबर्स होंगे. और इसके साथ साथ रेगुलर प्रोफेसर टू बी नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंचकुला से वो मेंबर होंगे मेंबर सेक्रेटरी. तो ये सारे मेंबर्स जो है वो आपके एडमिशन कमेटी के अंदर होंगे. उसके बाद लिखा है कि जो एडमिशन कमेटी है वही रिस्पॉन्सिबल होगी ये डिसाइड करने के लिए कि आपका एडमिशन जो है वो होगा या फिर नहीं होगा. द एडमिशन कमेटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर एडमिशन रिलेटेड मैटर्स. तो एडमिशन रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उन सभी चीज़ों पे जो डिसीजन होगा वो एडमिशन कमेटी के मेंबर्स का ही होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होनी है, काउंसलिंग कब होगा. तो इन सारी चीज़ों का जो डिसीजन है वो कमेटी के मेंबर्स लेते हैं मिलकर. नेक्स्ट वन इज़ जो डायरेक्टर है डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा शैल बी एपीलेट अथॉरिटी टू हियर द अपील फॉर द डिसीजंस टेकन बाय द एडमिशन कमेटी. अपील कैन बी सेंट विद कॉपी ऑफ डिसीजन ऑफ एडमिशन कमेटी टू द डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा. यानी कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी डिसीजन की वजह से तो आप अपील भेज सकते हैं डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा के जो मेंबर हैं सेक्रेटरी हैं पंचकुला से हैं वो आप उनको जो है वो अपनी अपील भेज सकते हैं और वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे. फाइनल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं हर एक कोर्स में कितनी है या फिर किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कितनी है वो सारी की सारी जो है वो PGI रोहतक की इन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल होगी. तो ऑफिशियल वेबसाइट्स के नेम दे रखे हैं, यहाँ से आप उन ऑफिशियल वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं और टोटल सीट्स देख सकते हैं. वैसे टोटल सीट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज़ इन केस देयर इज़ अ वैकेंसी आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू एनी रीज़न सच सीट्स विल बी फिल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय द सेम प्रोसेस. अगर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कोई सीट्स जो हैं वो रह जाती हैं तो उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग दोबारा से कराई जाएगी और सेकेंड काउंसलिंग में वो बची हुई सीट्स जो हैं वो दोबारा फिल की जाएंगी. नेक्स्ट वन इज़ फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेकेंड राउंड एंड मोपअप राउंड. फ्रेश कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द एडमिशन वेब पोर्टल. यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्ट ले लिया है और आपको सेकेंड में लेना है तो आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा से नई चॉइस फिलिंग करनी होगी सेकेंड काउंसलिंग के लिए. और अगर उसके बाद आप मोपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करनी होगी और फिर आप काउंसलिंग में पार्ट ले पाओगे. नेक्स्ट वन इज The candidates who have joined on the allotted institute up to second round shall not be allowed to participate in the subsequent rounds. अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट ले ली है और उसको कॉलेज अलॉट हो गया है तो वो उसके बाद किसी भी काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकता है.
Next one is seat remaining vacant after second round shall be filled up in the mop-up round. Second round के बाद भी अगर कुछ seats खाली रह जाती हैं तो उन seats को mop-up round में fill किया जाएगा. But mop-up round में वो बच्चे participate नहीं कर सकते हैं जिन्होंने first और second counseling में part लेके कोई भी college जो है वो ले लिया है. And if seats are still vacant, the same shall be filled up as per procedure. अगर mop-up round के बाद भी seats खाली रहेंगी तो दोबारा से counseling की जाएगी और दोबारा से seats को फिल किया जाएगा. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको काउंसलिंग की जो है वो फीस सबमिट करवानी होगी. जो रजिस्ट्रेशन फीस है काउंसलिंग की वो नॉन रिफंडेबल होगी. काउंसलिंग की फीस जो आपने एक बार सबमिट करा दी वो आपको रिफंड नहीं होगी. फर्स्ट काउंसलिंग की फ़ीस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है और बाकी की जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए फ़ीस है 750 रुपीज़ और ये फ़ीस अनरिफंडेबल है, आपको वापस नहीं दी जाएगी. उसके बाद अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब उनका हो रहा होगा तब लेकर जाने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट सर्टिफिकेट, सेकंड वन इज़ आधार कार्ड, थर्ड वन इज़ अकाउंट नंबर अलोंग विद IFSC कोड एंड फोर्थ वन इज़ PPP ID. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन बच्चों को लेकर जाने हैं. और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई और अदर डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. इसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए. टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी. और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन.